बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजीर खाने के हैरत अंगेज़ तिब्बी फ़वाइद। अल्लाह ताला ने इंसानों को बेशुमार नेमतें अता की हैं, जिनमें से सब्ज़ियाँ, गोश्त, फल, मेवाजात वगैरह शामिल हैं। इन मेवाजात में अंजीर भी शामिल है और अंजीर जन्नत का फल भी कहलाता है। इसके खाने के बहुत ज़्यादा तिब्बी फ़वाइद हैं। वैसे खुश्क अंजीर खाई जाए या इसके ताज़ा फल से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए, दोनों से सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। माजी में जब चीनी का इस्तेमाल आम नहीं हुआ था, अंजीर को ही अक्सर मीठे पकवान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यही वजह है कि मीठे के शौकीन अफराद इस फल को खाकर मीठा खाने की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, जबकि सेहत को भी फ़ायदा होता है। अंजीर के अंदर प्रोटीन, मदनी अज्जा, शक्कर, कैल्शियम, फॉस्फोरस पाए जाते हैं। अंजीर पोटाशियम से भी भरपूर फल है, जो जिस्म में इसका तवाज़न दुरुस्त रखने में मदद फराहम करता है। इस तरह अंजीर में फाइबर की मकदार भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जो जिस्म से इजाफी नमकियात के अंदराज में मदद फराहम करती है और ब्लड प्रेशर की सतह मुस्तहकम होती है। हाई ब्लड प्रेशर से मुतासर होने की एक बड़ी वजह जिस्म में पोटाशियम का तवाज़न बिगड़ना होता है। ये गुर्दा और मिसाना से पथरी को तहलील करके निकाल देती है। अंजीर को मग्ज़, बादाम और अखरोट के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें, ये ख़तरनाक जहरों से महफूज रखती है। खुश्क अंजीर को रात भर पानी में रख दिया जाए तो वो ताज़ा अंजीर की तरह फूल जाएगी। इसे खाने से गला बैठ जाना या बंद हो जाने के अमराज पैदा नहीं होते। अंजीर को दूध के साथ इस्तेमाल करने से रंगत निखर आती है और जिस्म फरबा हो जाता है। कब्ज़ से निजात के लिए मुतअद्दिद अफराद अंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इससे मैदे में सेहत के लिए मुफीद बैक्टीरिया की नशोनुमा भी होती है। ये बैक्टीरिया निज़ाम हाजम के मुख्तलिफ अमराज से तहफ़ फराहम करते हैं। अंजीर कैल्शियम और पोटाशियम के हसूल का अच्छा ज़रिया है। ये दोनों मिनरल्स इकट्ठे मिलकर हड्डियों के कसाफत बेहतर करते हैं, जिससे हड्डियों की कमज़ोरी या दीगर अमराज का ख़तरा कम होता है। अंजीर खाने की आदत से खून में चिकनाई की सतह मुस्तहकम होती है और अमराज कलब का ख़तरा कम होता है। ताज़ा अंजीर तोड़ने से जो दूध निकलता है, इसके दो चार कतरे बर्सम पर मिलने से दाग ख़त्म हो जाते हैं। ये फल खून की सुर्ख ज़र्रात में इजाफा करता है और जहरीले मादे ख़त्म करके खून को साफ व शफाफ करता है। जिन लोगों को पसीना ना आता है, इन लोगों के लिए अंजीर का इस्तेमाल मुफीद है। एक तहकीक किया गया है कि अंजीर खाने से सेहत के लिए नुकसानदा कोलेस्ट्रेल की सतह में कमी आती है। चूँकि इस फल से मिठास बहुत ज़्यादा होती है, तो एक या दो अंजीर को खाना ही बेहतर होता है। जी दोस्तों, मैंने आपको अंजीर की मालूमात दी। मेरी हौसला अफज़ाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।